गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आरके पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड समाकलन गणित सेकंड, उसमें यूनिट नंबर फोर डी समाकलन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कार्तीय निर्देशांक में समाकलन निकालना कम्प्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने पढ़े थे ध्रुवीय निर्देशांकों में समाकलन को ज्ञात करना, डी समाकलन ज्ञात करना। उसमें हमने कार्डियोइड का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिया था। आगे जो क्वेश्चन है वो हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर थर्ड क्या है? निम्न समाकल, निम्न समाकल को ध्रुवीय निर्देशांकों, निम्न समाकल को ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित कर मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला? निम्न समाकल को ध्रुवीय निर्देशांक को परिवर्तित कर मान ज्ञात कीजिए। देखो ये जो समाकल है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है? कार्तीय के फॉर्म में दिया हुआ है। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको ध्रुवीय समाकल में चेंज करना पड़ेगा। देखो क्या समाकल दिया हुआ है? समाकल ऑफ जीरो से ए, समाकल ऑफ वाई से ए, एक्स डीवाई बाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये तुम्हारे आया हुआ राजस्थान 2008 में, राजस्थान 2008 में आया हुआ है। तो ये क्या दे रखा है? कार्तीय निर्देशांकों में दिया हुआ है। किस निर्देशांकों में? कार्तीय के। मुझे चेंज किस में करना है? ध्रुवीय निर्देशांकों में। तो उसके बाद मुझे क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। देखो पहले तो क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, सॉल्यूशन। देखो समझो, इधर देखो क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं ना, देखो दिए हुए समाकल, दिए हुए समाकल को सीमाओं से, दिए हुए समाकल की सीमाओं से ज्ञात होता है, दिए हुए समाकल की सीमाओं से ज्ञात होता है कि y की लिमिट, y की सीमा जीरो से a तक तथा x की सीमा y से a तक है। दिख रहा है डायग्राम से? दिए हुए समाकलन की सीमाओं से ज्ञात होता है कि y की सीमा जीरो से a तक तथा x की सीमा y से a तक है। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, इधर समझो। देखो x की सीमा कहां से कहां तक है? जीरो से a तक, सॉरी y की सीमा जीरो से
ए तक, ये जीरो और यहाँ पे ये लाइन ऐसे, ठीक है। और एक्स की सीमा कहाँ से कहाँ तक है, वाई, वाई से ए तक, तो यहाँ पे इधर ए, ये माने ए और ये वाई एक्सिस लाइन चल जाएगी सीधे। देखो समझो, आगे समझ में। तो यहां पे क्या हो गया, देखो x की सीमा क्या है, x की सीमा y है, तो ये लाइन तो बन गई y बराबर x, बन गई ना ये वाली। यदि मैं ऐसे लिखूंगा, जैसे लिख लो एक बार के साइड में कि y की सीमा 0 से है, तो y बराबर 0 से लेके y बराबर a तक, तो y बराबर 0 से लेके y बराबर a तक, a है x की सीमा, x बराबर y बराबर x बराबर a तक। तो देखो x बराबर y की लाइन की इक्वेशन ही होती है, होती है यहां से लेके x बराबर a तक, तो x बराबर a तक यहां तक, ठीक है। क्या ये पॉइंट कौन सा हो गया, a और a। आगे समझ में, देखो समझता आराम से, y x y की लिमिट तो कांस्टेंट है, ठीक है, y की लिमिट कांस्टेंट, x की लिमिट है y की फॉर्म में, तो मैं x की लाइन में बनाऊंगा इस तरह से, ये कार्तीय निर्देशांक में बना रहा हूं, देखो बना लिया। तो देखो y x की लिमिट कहां जा रही है, x इक्वल टू y से x इक्वल टू a तक, x इक्वल टू y से यहां से स्टार्ट हो रही है इस लाइन से, कहां तक जा रही है, x इक्वल टू a तक। और यदि मैं इसको ऐसे चलाऊं नीचे से, x इक्वल टू वो y इक्वल टू जीरो से यहां तक जाते जाते इस कॉर्नर तक जाएगी y इक्वल टू a तक, यानी y इक्वल टू जीरो से यहां पे जाएगी तो y इक्वल टू a तक। ये तो आ गया मेरे पास कार्तीय निर्देशांक। अब मैं इसको क्या करूंगा, उसको दूरी निर्देशांक में चेंज करूंगा, किसमें, दूरी में। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइन को ऐसे तिरछी बनानी पड़ेगी एंगल लेते हुए, ठीक है। तो देखो ये ऐसी किसी लाइन, यहाँ पे ये पॉइंट, ठीक है, ये वाला ग्राफ, यही है जान रहे इस साइड को, मतलब देख रहे हैं ये वाला ग्राफ है, ठीक है। कार्तीय दिशा में पट्टी क्या बनाते हैं, पट्टी सीधी बनाते हैं, इसमें क्या बनाएंगे, तिरछी एंगल लेते हुए, क्योंकि दूरी निर्देशांक में क्या होता है, थीटा और एंगल में होता है, तो ऐसे तिरछी बनाएंगे, देखो ऐसे बना लिए पॉइंट, देखो वही। अब ये जो पट्टी है कहां से स्टार्ट हो रही है, थीटा, ये थीटा लाइन और ये आर, ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रही है पट्टी, यहां से, ठीक है, थीटा इक्वल टू जीरो, और जीरो से कहां तक जा रही है, पाई बाई फोर तक, कहां तक जा रही है, पाई बाई फोर तक, दिख रहा है ना, बीचों बीच जाती है, पूरा 90 होता है यहाँ, बीचों बीच से जा रही है, तो ये पाई बाई फोर होगी लाइन, वही भी पाई बाई फोर, थीटा की लिमिट तो आगे मेरे पास, थीटा इक्वल टू जीरो से पाई बाई फोर, आर की लिमिट देखनी है, देखो देखो हम भी जानते हैं, हम जानते हैं कि x इक्वल टू होता है, क्या होता है, x इक्वल टू पता है, x इक्वल टू क्या होता है, r cos theta, ठीक है, और y इक्वल टू r sin theta होता है। अब किसकी लिमिट चाहिए मेरे को, r की, तो r की लिमिट यहां से स्टार्ट होगी, r बराबर 0 से यहां से लिवर से जा रही है और यहां तक जा रही है, और यहां पे देखो x इक्वल टू क्या था, a, x इक्वल टू क्या था, a, तो r, x, r की लिमिट क्या हो जाएगी, a cos थीटा, क्या हो जाएगी, समझना देखो, तब यहां पे रखता हूं, देखो x इक्वल टू a ना यहां पे लिमिट, और मुझे किसकी लिमिट चाहिए, r डैश टू 0 से r की लिमिट, यहां से r की वैल्यू निकाल दूंगा, r इक्वल टू क्या जाएगा, x अपॉन में cos थीटा, ठीक है, x की वैल्यू क्या है यहां पे, a, a cos थीटा अपॉन में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec थीटा, तो यहां पे आ जाएगा r की लिमिट a sec थीटा, ये दूरी निर्देशांक में चेंज हो गई, समझ में आई चीज,
ठीक है पक्का। देखो सर y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो से y इक्वल टू x, ठीक है ये पट्टी थी सीधी कार्तीय निर्देशांक क्योंकि क्वेश्चन कार्तीय निर्देशांक में देख रहे हैं, मुझे चेंज करना है ध्रुवीय निर्देशांकों में, इसमें चेंज करना है ध्रुवीय निर्देशांकों में। तो देखो y इक्वल टू जीरो, देखो y इक्वल टू जीरो से y इक्वल टू एक्स, बिल्कुल बीचों बीच से जाने वाली लाइन है, इससे मुझे पता चल रहा है कि मैं पट्टी को ऐसे बनाऊंगा, इसमें दूरी निर्देशांक के लिए हम तिरछे बनाते हैं एंगल लेते हुए, कुछ थीटा एंगल लेते हुए, ठीक है। अब देखो जीरो से स्टार्ट हो रही है पट्टी और घूमते 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 ऐसे जाएगी, और ये बीच वाली लाइन जो है वो पूरा एंगल 90 होता है, ये तो बीच वाली लाइन का होता होगी पाई बाई फोर तक, थीटा की लिमिट तो क्या आएगी जीरो से पाई बाई फोर, आर की लिमिट देखनी है, आर यहां से स्टार्ट हो रही है पट्टी और यहां तक जा रही है इस लाइन तक, यहाँ तो जीरो, यहाँ पे चेक करना क्या होगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है एक्स इक्वल टू ए, और हम ये जानते हैं कि एक्स इक्वल होता है आर कोस थीटा होता है, एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने ए रख दिया, आर की वैल्यू निकाली क्योंकि आर की लिमिट चाहिए, कोस थीटा अपॉन में आ गया तो आर इक्वल टू एक्स अपॉन कोस थीटा, ठीक है एक्स की जगह तो रख दिया मैंने ए रख दिया, और कोस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो ए सेक थीटा, तो आर की वैल्यू क्या आ गई ए सेक थीटा, आ गया तो समझ में ये आर की वैल्यू आ गई, तो लिमिट आ गई तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब आराम से चेंज कर देंगे दूरी निर्देशांक में, ठीक है पहले स्केच की छोड़ लो, इसको दोबारा समझाता हूँ फिर उसको दूरी निर्देशांक को चेंज करके बताता हूँ तुम्हारे को। स्क्रीनशॉट चले आगे देखो दोबारा समझो क्या होता है, निम्न समाकल को ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित कर मान ज्ञात कीजिए, पहले तो इसको ध्रुवीय निर्देशांक में चेंज करना है उसके बाद मान ज्ञात करना है, ठीक है देखो समझो क्या दिया हुआ लिमिट जीरो से ए y से ए x डीवाई बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मुझे पता चल रहा है y आ रहा है तो ये x की लिमिट है, x की जो सीमा है तो क्या होगी y से a तक, और जो कॉन्स्टेंट है y की सीमा होगी जीरो से a तक, इस सीमाओं को काम में लेके हम ग्राफ बनाएंगे, देखो y की लिमिट जीरो से a तक ऐसे, और x की लिमिट y की फॉर्म में दे रही है, y की लिमिट कॉन्स्टेंट है x की लिमिट नहीं है, x के सापेक्ष पट्टी बनाएंगे, x की लिमिट x इक्वल टू वाई ये वाली लाइन से x इक्वल टू ए तक इस तक, तो ये ग्राफ बन गया देखो x इक्वल टू वाई से ये लाइन से ये पट्टी कहाँ तक जाएगी x इक्वल टू ए तक, और नीचे से चलेगी स्टार्ट होगी यहाँ से ऐसे पट्टी बनती है, यहाँ पे क्या बनेगी y इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी y इक्वल टू a तक, आगे चीज समझ में जीरो से a तक, ठीक है अब मुझे क्या करना है इसको दूरी निर्देशांक में चेंज करना है, तो देखो इधर थीटा की वैल्यू पट्टी को बनाएंगे ऐसे तिरछा थीटा एंगल भी, थीटा की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी और चलेगी पाई बाई फोर तक, और थीटा की वैल्यू क्या होगी जीरो से पाई बाई फोर, ठीक है ये थीटा और आर भी नहीं लिखना चाहो तो एक्स एक्स वाई एक्स लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा की वैल्यू आ गई थीटा की लिमिट आ गई सीमा, अब मुझे निकालनी है आर की सीमा, देखो ये पट्टी यहाँ से स्टार्ट हो रही है आर इक्वल टू जीरो से कहाँ तक जा रही है एक्स इक्वल टू ए तक,
मुझे चेंज करना है आर में, तो हम जानते हैं कि एक्स इक्वल टू होता है आर कोस थीटा, होता ही नहीं होता, आर इक्वल टू एक्स अपॉन में कोस थीटा ले लिया, एक्स की वैल्यू क्या है ए, ए रख दी, कोस थीटा ऊपर जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, तो आर की लिमिट ये आ गई, आ गया समझ में। अब आगे देखो, आगे करते हैं, आगे कुछ नहीं करना, लिमिट रखनी है बस। देखो ये किसकी लिमिट थी y की, और y से मेरे पास थीटा की लिमिट आई, तो 0 से पाई बाई 4 कांस्टेंट लिमिट इधर, और x की लिमिट यानी r की लिमिट क्या है 0 से a sec थीटा, थीटा है तो r की लिमिट है ये, x की जगह क्या आ जाएगा r cos थीटा, x की जगह क्या आ गया r cos थीटा, dy की जगह क्या आएगा, और हम ये भी जानते हैं कि y इक्वल टू होता है r sin थीटा, होता है नहीं होता, ठीक है, डी वाई और डी एक्स की जगह क्या आएगा बताओ, डी वाई डी एक्स की जगह क्या आएगा आर डी थीटा डी आर, जैसे दूरी निशान में चेंज करेंगे डी वाई डी एक्स की जगह क्या आएगा आर डी थीटा डी आर, आ गया। नीचे देखो एक्स स्क्वायर यानी आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और वाई स्क्वायर यानी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या चल रहा है 0 से पाई बाई 4, 0 से ए sec थीटा, ये हो गया आर स्क्वायर cos थीटा डी थीटा डी आर, नीचे आर स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आगे समझ में। आगे देखो, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 0 से पाई बाई 4, 0 से ए sec थीटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा cos थीटा डी थीटा डी आर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो खत्म, जरूरत ही नहीं उसकी। आ गया देखो समझ में, आगे देखो अब वो करेंगे समाकलन। देखो लिमिट 0 से पाई बाई 4 तो बाहर आ जाएगी, ये लिमिट अपन अंदर लेंगे, 0 से a sec थीटा cos थीटा डी आर, और डी थीटा भी बाहर चल जाएगा क्योंकि ये थीटा की लिमिट है, तो थीटा वाला बाहर, आर की लिमिट के साथ आर वाला अंदर, 0 से पाई बाई 4 cos थीटा कांस्टेंट है अभी आर के सापेक्ष तो बाहर, 1 और साथ में 1 का आर के सापेक्ष समाकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा आर, लिमिट 0 से a sec थीटा d थीटा, आ गया थे समझ में। आगे देखो 0 से पाई बाई 4 cos थीटा, यहाँ लिमिट रखूंगा 0 से मतलब नहीं है, ऊपर वाला लिमिट रखूंगा, तो क्या आ जाएगा a sec थीटा d थीटा। आगे चीज में आगे देखो सॉल्व करेंगे इसको, a तो बाहर आ जाएगा 0 से पाई बाई 4 cos थीटा sec थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा d थीटा, कैंसिल हो गया। आगे देखो ए तो ऐसे कैसे बचा गया 1, 0 से पाई बाई 4 1 डी थीटा,
इसका मतलब ए जी वन का समाकलन थीटा जीरो से पाई बाई फोर। आइए सामने ए थीटा की लिमिट रखूंगा तो क्या आ जाएगी पाई बाई फोर, तो आंसर आ गया ए पाई अपॉन फोर। ये था क्वेश्चन। देखो दूरी निर्देशांक को मतलब निम्न समाकलन को कार्तीय निर्देशांक वाले समाकलन को दूरी निर्देशांक वाले समाकलन में परिवर्तित करके मान ज्ञात कीजिए। आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर दोबारा समझाते हो एक बार। ले लिया स्क्रीनशॉट, दोबारा समझो। देखो ये मेरे पास लिमिट आएगी थी, देखिए थीटा की लिमिट आई थी जीरो से पाई बाई फोर, कांस्टेंट लिमिट। वाई की लिमिट कांस्टेंट थी तो थीटा की लिमिट कांस्टेंट है तो वाई वाली देगी। एक्स की लिमिट क्या आई थी मेरे पास वाई से ए, और यहाँ पे आर की लिमिट आई थी थीटा की फॉर्म में, तो जीरो से ए सेक थीटा लिमिट रखी थीटा और आर की फॉर्म में। एक्स की जगह लिखेंगे आर कोस थीटा, ये ध्यान रखना डी वाई बाई डी एच की जगह लिखेंगे आर डी थीटा डी आर। ठीक है, दूरी निर्देशांक को पता है तुम्हें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर, एक्स इक्वल टू था आर कोस थीटा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे चीज समझ में, जीरो से पाई बाई फोर, जीरो से ए सेक थीटा आर इंटू आर आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा डी आर, नीचे आर स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इसकी वैल्यू की वन, क्या बचा कोस थीटा डी थीटा डी आर। आगे देखो, आगे देखो अब करेंगे समाकलन, पहले करेंगे आर के सापेक्ष क्योंकि आर की लिमिट पहले है, कोई जल्दी नहीं कि आर से सापेक्ष करें, पहले थीटा के सापेक्ष भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। आर के सापेक्ष किया तो ये लिमिट बाहर, जीरो से ए sec थीटा वन cos थीटा डी आर लिख लिया डी थीटा, cos थीटा कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, वन का समाकलन किया आर के सापेक्ष तो आर हो गया, लिमिट थी जीरो से ए sec थीटा बाहर डी थीटा चल ही रहा है, लिमिट रख दी जीरो से पाई बाई फोर ए cos थीटा, ए cos थीटा ये और ये sec थीटा डी थीटा, आर की जगह रख दी जीरो से मतलब नहीं है, sec थीटा बराबर होता है वन अपॉन cos थीटा कैंसिल हो गया, ए जीरो से पाई बाई फोर वन डी थीटा आ गया, ए तो बाहर आ गया जीरो से पाई बाई फोर वन डी थीटा, ए बाहर आ गया वन का समाकलन थीटा के सापेक्ष थीटा जीरो से पाई बाई फोर, ए बाहर आई थीटा की लिमिट रखो तो पाई बाई फोर, तो ये आ गया ए पाई अपॉन में फोर, आंसर आ गया। समझ में आ गया, जिसने अभी भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले सकता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे। देखो ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट।
देखो ये तुम्हारे आया हुआ राजस्थान 2010, 2013 और 2016 में। कब आया हुआ? 2010, 2013 और 2016 में। क्या है देखो, निम्न समाकल को दूरी निर्देशांक निम्न समाकल को दूरी निर्देशांक में परिवर्तित कर मान ज्ञात कीजिए। निम्न समाकल को दूरी निर्देशांकों में परिवर्तित कर मान ज्ञात कीजिए, ये करना है। निम्न समाकल को दूरी निर्देशांकों में परिवर्तित कर मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो क्या है समाकल, 0 से 1 और x से रूट में 2x - x2। ये दिया हुआ है 0 से 1 और x से रूट में 2x - x2, ठीक है। और सवाल क्या दिया हुआ है, x2 + y2 dx dy। पहले वही इसका ग्राफ बनाएंगे कार्तीय निर्देशांक में, फिर उसको चेंज करेंगे दूरी निर्देशांक में, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे, ठीक है। जब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ग्राफ देखो, पहले पहले लिखेंगे दिए गए समाकल की सीमाओं से ज्ञात होता है कि दिए गए समाकल की सीमाओं से ज्ञात होता है कि y की सीमा 0 से 1 तथा x की सीमा x की फॉर्म में, तो ये y की सीमा होगी, x की सीमा 0 से 1 और y की सीमा x से रूट 2x - x2 है, यही है। देखो x की सीमा से तो कोई दिक्कत आएगी, ये तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। y की सीमा देखो y = x, ये लाइन की इक्वेशन होगी, और ये क्या y = 2x - x2 का रूट, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो y² = 2x - x2। ये x² इधर लेके आऊंगा तो x² + y² = 2x। इससे मुझे पता चल रहा है कि ये क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है, ये क्या है, इसको भी इधर लिया हुआ तो = 0 हो जाएगा। यह है एक क्या है, वृत्त की समीकरण है, किसका समीकरण है, वृत्त का समीकरण, समझ में है, पढ़ भी रखा होगा तुमने 12th क्लास में, एक इक्वेशन होती थी x² y² में 2kh 2hg, फिर 2gy, फिर आगे ऐसे इक्वेशन थी, उससे से इक्वेशन बन रही, वो एक सर्कल की इक्वेशन होती थी। ये क्या है, एक वृत्त का समीकरण है, तो अब इन दोनों को मिला के अपन ग्राफ बनाएंगे। देखो पहले कार्तीय निर्देशांक को देखो, y = x से
से ये सब सर्कल का समीकरण, ठीक है। देखो x की लाइन में दे रखा है, वाई की लाइन में नहीं दे रखा, नीचे जाना ही नहीं अपने को, तो कैसा बनेगा ये, इस टाइप पे बन जाएगा, इस टाइप में। इस टाइप में बन जाएगा, ठीक है। देखो कि लाइन की इक्वेशन y को टू x, ठीक है, और ये सर्कल की इक्वेशन, ये सर्कल हो गया, इनके बीच गिरा हुआ भाग लेना है, तो इसको थोड़ा सही बनाता हूँ, इससे थोड़ा बड़ा भाग दिखे, गिरा हुआ ऐसे, इनके बीच गिरा हुआ भाग ये वाला है, ठीक है ना। जबकि y की लिमिट दे रखी तो पट्टी y एक्सिस से साबित बनेगी, पहले y इक्वल टू x तो ये लाइन से और यहां तक, देखो y इक्वल टू x से y इक्वल टू रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू x से y इक्वल टू रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और x की लिमिट जीरो से वन, x की लिमिट देखो ये पट्टी यहां से ऐसे चलना स्टार्ट होगी, तो x इक्वल टू जीरो से यहां पे जाएगी खत्म होगी, तो x इक्वल टू वन, आगे चीज समझ में। अब इसको अपन चेंज करेंगे दूरी निर्देशांक में, किसमें चेंज करेंगे, दूरी निर्देशांक में, तो देखो दूरी निर्देशांक में वही वी लाइन की इक्वेशन, ये सर्कल, अब जो पट्टी बनेगी वो ऐसे बनेगी, बनेगी ना, आए ना, तो देखो थीटा की लिमिट देखो, पहले थीटा एंगल पे, थीटा की लिमिट, ये पट्टी यहां से स्टार्ट हो रही है, इस लाइन से यहां से, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर से स्टार्ट हो रही है, यहीं से तो स्टार्ट हो रही है, और सर्कल जा रहा है कहां तक, 90 तक, कहां तक जा रहा है 90 तक, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई फोर से पाई बाई टू तक, ये चीज समझ में आई नहीं, देखो समझो, ये इस यहाँ किसका एरिया फाइंड करना है मेरे को, इस वाले पार्ट का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि इनके बीच वाला बोला उसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमेशा जा रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये पाई बाई फोर से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पाई बाई फोर से, और ये घूमता घूमता कैसे जाएगा, ये घूमता 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 यहाँ पे जाके इधर टच होगा इस लाइन पे, और वो कहाँ तक जा रही है, 90 तक, थीटा की लिमिट क्या होगी, पाई बाई फोर से पाई बाई टू, आगे समझ में। आर की लिमिट निकालेंगे, देखो आर की लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, देखो वाई इक्वल टू एक्स, वाई की जी क्या रखूंगा, आर साइन थीटा, और एक्स की जी वाई की लिमिट निकालनी ना मेरे को, यहां आर की लिमिट निकालनी है ना, देखो स्टार्ट वैसे समझो ना, स्टार्ट स्टार्ट ये लाइन पट्टी जो है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, आर इक्वल टू जीरो, पहला पॉइंट तो अपने आप ही आ गया, आर इक्वल टू जीरो, उससे जाके कार टच हो रही है सर्कल पे, सर्कल की इक्वेशन में रखेंगे, देखो क्या है, देखो यहां रख के बता रहा हूं मैं, वाई इक्वल टू, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये अपने पास इक्वेशन बनी थी ना, इसमें कर लेते ये, इसको मिटाओ, पट्टी यहां से स्टार्ट हो रही है आर इक्वल टू जीरो से, यहां तक जा रही है, तो यहां तक देखेंगे, देखो इसमें रख रहा हूं मैं, है ना, एक्स स्क्वायर देगी आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर की देगी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू आर कोस थीटा इक्वल टू जीरो, यहां से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस
2r cos theta इक्वल टू जीरो। आ गया समझ में? देखो समझो, इधर लिख रहा हूं मैं आर स्क्वायर, ये हो गया वन, तो मेरे पास आ गया आर स्क्वायर और ये टू आर cos theta उधर ले जाऊंगा। एक आर से एक आर कैंसिल, आर इक्वल टू आ गया टू cos theta, तो आर की लिमिट आ गई जीरो से आर इक्वल टू टू cos theta। आई चीज समझ में? डिवाइस की छोड़ ले लो, फिर मैं दोबारा समझ देता हूँ तुम्हारे, ठीक है? डिले स्क्रीनशॉट देखो, दोबारा समझो। निम्न समाकल को दूरी निर्देशांकों में परिवर्तित कर मान ज्ञात कीजिए। ये समाकल देखकर देखो, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन निर्देशांक, इसको पोलर कोऑर्डिनेट दूरी निर्देशांकों में चेंज करना है। लिमिट दे रखी है जीरो से वन एक्स रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये सर्कुलर का समीकरण दे रखा है, ठीक है? ये एक्स की फॉर्म में, तो ये वाई की लिमिट है और ये कॉन्स्टेंट एक्स की लिमिट है। लिखेंगे दिए गए समाकलन की सीमाओं से ज्ञात होता है कि x की सीमा 0 से 1 तथा y की सीमा x से रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है। इससे मुझे जिससे कॉन्स्टेंट दे रखी उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, जिससे कॉन्स्टेंट नहीं दे रखी उससे तो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स की लाइन ये बन गई। दूसरी दे रखी y इक्वल टू रूट में टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ये इक्वेशन बन गई। ये होती है एक सर्कल की इक्वेशन, तो इससे बन गया एक सर्कल, ये पूरा बनाना नहीं है, नीचे तक पूरा जाएगा ये, उससे मतलब ही नहीं अपने को, क्यों? क्योंकि ये इस लाइन को कट कर रहा है तो इन दोनों के बीच गिरा हुआ भाग ही आ रहा है और गिरे हुए भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है, नीचे पूरा बनाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सेंटर जीरो जीरो ही होगा, चाहे रख के देख लेना, ठीक है? एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो वाई की वैल्यू जीरो आएगी, वाई की वैल्यू जीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है? आ गया तो समझ में? एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये आ जाएगा। आगे समझो, ये आ गया तो ये मैंने ग्राफ बना लिया, एक्स की लिमिट पट्टी तो वाई की लिमिट देखिए एक्स की फॉर्म में, तो पट्टी वाई एक्स से सापेक्ष बनेगी, वाई इक्वल टू एक्स से वाई इक्वल टू रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे लाइन को टच करिए वाई इक्वल टू एक्स, यहाँ पे सर्कल को टच करिए तो ये सर्कल की, और पट्टी चलना स्टार्ट होगी यहाँ से, ऐसे चलती चलती यहाँ तक जाएगी, तो एक्स की लिमिट जीरो से वन तक। ये आ गई कार्तीय निर्देशांकों में, अब चेंज करेंगे पोलर निर्देशांक में, दूरी निर्देशांकों में, ठीक है? दूरी निर्देशांकों में क्या होगा, देखो इस पट्टी को ऐसे दी, ऐसे बना देगी थीटा एंगल पे, बना दिया, थीटा की वैल्यू क्या होगी पाई बाई फोर से, देखो इस लाइन से स्टार्ट हो रही है पट्टी और यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक जा रही है, थीटा की वैल्यू क्या होगी पाई बाई फोर से पाई बाई टू होगी, और आर की वैल्यू आर डेंस टू जीरो से यहाँ से स्टार्ट होगी, सर्कल को टच करिए, सर्कल की जो इक्वेशन है ना उसमें एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे आर और थीटा की फॉर्म में, एक्स की जगह आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई की जगह आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू एक्स की जगह आर कोस थीटा, इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा गिवन हो गया माइनस टू आर कोस थीटा, इसकी वैल्यू वन आर स्क्वायर माइनस इसको उधर ले जाऊंगा, एक आर से एक आर कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई टू कोस थीटा। आगे समझ में? ठीक है, जिसने अभी भी स्क्रीन शॉट नहीं लिया वो ले सकता है, फिर अपन आगे चलेंगे, देखो फिर तो सॉल्व करेंगे।
देखो आगे देखो, अब रखेंगे लिमिट, कॉन्स्टेंट लिमिट क्या है जी थीटा की, पाई बाई फोर से पाई बाई टू, और दूसरे वाली लिमिट क्या है जी जीरो से, आर की लिमिट जीरो से टू कोस थीटा, इसमें वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स डी वाई रहेगा आर डी थीटा डी आर, आई जी समझ में, लिमिट पाई बाई फोर से पाई बाई टू, जीरो से टू कोस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बाहर चला आर डी थीटा डी आर, चल रहा है इंपोर्टेंट है जानना, 2010-13-16 में आया हुआ है। आगे पाई बाई फोर से पाई बाई टू, लिमिट क्या है पाई बाई फोर से पाई बाई टू, यहां से ही हो गया वन, आर स्क्वायर रूट निकलेगा आर और आर इंटू आर आर स्क्वायर, और दूसरी वाली लिमिट क्या है जीरो से टू कोस थीटा, और यह आ जाएगा डी थीटा डी आर, आ गया समझ में, इधर वाले मिटा रहा हूं देखो, ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब इसका करेंगे अवकलन या समाकलन, सॉरी है ना, समाकलन करेंगे, देखो क्या होगा, पाई बाई फोर से पाई बाई टू तो बाहर ही रहेगा, आर की लिमिट थी जीरो से टू कोस थीटा, आर स्क्वायर डी आर और बाहर आ जाएगा डी थीटा, आइए समझ में, इसको समझो देखो आगे, समाकलन कर दो पाई बाई फोर से पाई बाई टू, पाई बाई फोर से पाई बाई टू, उसके बाद इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा आर क्यू अपॉन में थ्री और जीरो से टू कोस थीटा डी थीटा, ये होगा। आगे देखो पाई बाई फोर से पाई बाई टू लिमिट चली दी है, जीरो का कोई मतलब नहीं है, ये लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा एट बाई थ्री कोस क्यूब थीटा डी थीटा, ये होगा। आगे देखो एट बाई थ्री तो बाहर आ जाएगा, पाई बाई फोर से पाई बाई टू कोस क्यूब थीटा, याद है एक फॉर्मूला होता है कोस क्यूब थीटा का, कोस थ्री थीटा प्लस थ्री कोस थीटा अपॉन में फोर डी थीटा, याद है इलेवंथ या ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रखा तुमने ये, एट बाई थ्री पाई बाई फोर से पाई बाई टू कोस क्यूब थीटा का फॉर्मूला था कोस थ्री थीटा प्लस थ्री कोस थीटा अपॉन में फोर,
आगे चीज उनमें, ठीक है। इसको पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो इसको मिटाना पड़ेगा ना, देखो एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे था एक आर्थिक निर्देशांक में दूरी में मतलब तो लिमिट लगा दी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिमिट थी एक्स की, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिमिट है थीटा की, तो पाई बाई फोर से पाई बाई टू। यहाँ पे वाई की लिमिट थी एक्स की फॉर्म में थी, यहाँ आर की लिमिट है थीटा की फॉर्म में, जीरो से टू कोस का। एस स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई डी एक्स डी वाई की जगह क्या जाएगा आर डी थीटा डी आर आ गया। पाई बाई फोर से पाई बाई टू, जीरो से टू कोस थीटा रूट में आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आर डी थीटा डी आर, इसके वैल्यू वन होगी। आर स्क्वायर से रूट हटेगा आर बच जाएगा आर इंटू आर आर स्क्वायर डी थीटा डी आर। थीटा की लिमिट है बाहर, पहले आर के सापेक्ष करेंगे, कर दिया आर के सापेक्ष आर स्क्वायर से आर क्यूब ऊपर थ्री लिमिट लगा दी जीरो से टू कोस थीटा, क्योंकि आर की लिमिट है जाने का। ये चल रहा है बाहर पाई बाई फोर पाई बाई टू थीटा की लिमिट, इसको वैल्यू रखेंगे तो टू का क्यूब एट अपॉन थ्री और कोस क्यूब थीटा डी थीटा, एट अपॉन थ्री कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया पाई बाई फोर से पाई बाई टू, कोस थ्री थीटा क्या हो जाएगा कोस थ्री थीटा क्यूब थीटा, कोस थ्री थीटा प्लस थ्री कोस थीटा अपॉन फोर। अब इसका कर देंगे मिटा रहा हूं, इसकी छोट ले लो जिसने नहीं लिया अभी भी। स्क्रीनशॉट देखो आगे चलते, इसकी वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे एट बाई थ्री पाई बाई फोर से पाई बाई टू एट बाई थ्री पाई बाई फोर से पाई बाई टू, ठीक है। कोस थ्री थीटा क्या हो जाएगा बताओ साइन थ्री थीटा और अपॉन में थ्री, ठीक है। थ्री कोस थीटा क्या हो जाएगा कोस साइन थीटा, ये होगा एट बाई थ्री। देखिए फोर से एट तो कट हो जाएगा, पहले मैं टू बाई थ्री लिख देता हूँ, इसका समाकलन करूंगा तो कोस थ्री थीटा का साइन थ्री थीटा अपॉन थ्री और थ्री साइन थीटा और लिमिट पाई बाई फोर से पाई बाई टू। आइए तो समझ में लिमिट रख दे, देखो टू बाई थ्री साइन थ्री थीटा की जगह पाई बाई टू रखूंगा, साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है वन। देखो साइन वन बाई थ्री आर बाहर ले रहा हूं, साइन थ्री पाई बाई टू ये चली रहा है प्लस ये वाली पहले ये लिमिट इसमें भी रख देता हूँ थ्री साइन पाई बाई टू फिर माइनस वाली लिमिट रख दूंगा वन बाई थ्री साइन थ्री पाई बाई फोर प्लस थ्री साइन पाई बाई फोर। ये लिमिट रख दी मैंने, समझ में आई
क्या किया मैंने, ये लिमिट थी पाई बाई टू से पाई बाई फोर, ये लिमिट मैंने यहाँ पुट कर दी इसमें, ये वाली लिमिट करी इससे पुट, फिर माइनस पे नीचे वाली ये लिमिट पुट कर दी, वैल्यू रख देंगे कि वैल्यू सॉल्व कर देखो, 2/3 बाहर चल रहा है, 2/3 इसकी 3π/2 बताओ क्या आएगी, -1 क्या आएगी, -1 तो माइनस का 1/3 प्लस 3 sin π/2 1 तो 3 माइनस 3π/4 1/3 और 3π/4 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/√2 तो 1/3√2 जाएगी प्लस 5/4 वैल्यू 1/√2 ये आ जाएगी 3/√2 आ गई वैल्यू रख दी बस 2/3 इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 8/3 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 10/√2 सॉल्व करके देख लो 3√2 इससे डिवाइड किया एलसीएम आ गया 3√2 में डिवाइड किया तो क्या आ गया यहाँ पे 1 इसका इसमें डिवाइड 3 बचा 3 3 9 9 + 1 10 हो गया एलसीएम लेना तुम्हारे को आता ही है फिर क्या बचा देखो यहाँ से 3 कॉमन ले लूंगा तो 2/9 ब्रैकेट में बच गया 8 माइनस 10/√2 ये आंसर आ गया आगे इसको सॉल्व करना चाहो और कर सकते हो 2/9 8 इसको रैशनलाइज करोगे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नीचे √2 × √2 2 से 10 कट गया 5 और ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई होता तो 5√2 ये आंसर आ गया इसके स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे मैं दोबारा समझाता हूँ स्क्रीनशॉट देखो यहाँ तक तो आ गया तो समझ में 4 से 8 को कट किया 2 आ गया 2/3 cos 3 थीटा का समाकलन sin 3 थीटा और 3 थीटा का बोन में 3 प्लस 3 cos का समाकलन sin थीटा लिमिट π/4 से π/2 2/3 चल ही रहा है 1/3 sin 3 थीटा की जगह रख दिया π/2 प्लस sin 3 π/2 माइनस 1/3 साइन 3π/4 प्लस 3 sin π/4 आगे समझ में 1/3 चल ही रहा है साइन 3π/4 की वैल्यू -1 प्लस sin π/2 की वैल्यू 1 तो +3 माइनस 1/3 साइन 3π/4 की वैल्यू 1/√2 तो 1/√2 प्लस 3 sin π/4 की वैल्यू 1/√2 इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 8/3 माइनस ये माइनस इसको सॉल्व करूंगा 10 3√2 3 कॉमन ले लिया नीचे तो ये 2/9 8 माइनस 10/√2 बच गया इसको रैशनलाइज कर लिया √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा 10√2 नीचे √2 × √2 2 से 10 कैंसिल तो 5√2 आंसर आ गया 2/9 8 माइनस 5√2 आगे समझ में अभी भी जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले सकता है ठीक है आ गया हम इस क्लास में इतना ही करेंगे बाकी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4-5 बार आया हुआ है आगे भी आया हुआ है ठीक है बाकी जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे इस क्लास में इतना ही धन्यवाद थैंक यू